आधुनिक युग में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विज्ञान और चिकित्सीय व्यवस्था से अधिक भरोसा झाड़ फूंक पर करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गुमला के सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देखने को मिला, जहां सर्पदंश का मरीज का इलाज किया गया। अंधविश्वास के जाल में जकड़े मरीज के परिजनों द्वारा झाड़ फूंक कराया गया। यह अंधविश्वास का खेल तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। बता दें कि सीलम से पहुंचे ओझा भगत के द्वारा अगरबत्ती जलाने के बाद चावल से मरीज के पीठ पर थाली को चिपकाकर जहरीले सांप का विष उतारने का दावा करते हुए टोना टोटका चालू रहा, जहां पर अन्य भर्ती मरीज और परिजन भी मौजूद रहकर इस खेल के गवाह बने। जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के आंबुआ निवासी शक्ति नायक के लगभग 25 वर्षीय पत्नी अर्चना देवी सीलम में बना रहे नए मकान के बाहर पेड़ के नीचे मंगलवार को बैठी हुई थी, तभी अचानक से झाड़ी से एक काले रंग का जहरीला सांप निकला और उसके पैर में डस लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सक मनोज सुरीन ने रिम्स रेफर कर दिया था, जिसके बाद परिजन ओझा बुलाकर उसकी झाड़ फूंक कराने में जुट गए। गुमला सदर में देख रहे हैं कि बराबर साफ करने वाला केस बराबर आ रहा है, हर रोज लगभग एक दो आ ही रहा है। इससे हम अपील करते हैं कि आप बचाव करना है, जहाँ भी झाड़ी है, छेद ये सब है, दीवार छेद ये सब से दूर रहना है, और जैसे ही पता चले साफ काटना है पता है तुरंत हॉस्पिटल आना है, झाड़ फूक बाद में करना है लेकिन सबसे पहले अस्पताल पहुँचाना है। लोगों को जागरूक करना है, अस्पताल आना है और बचाव करना है अपना, और झाड़ी उड़ी में जिसे आप काम कर रहे हैं तो अपना आसपास देखते ही करना है, और सांप आते तो अस्पताल तुरंत आना है। सांप आता है तो उसमें छेड़छाड़ उतना नहीं करना है, उसको पानी से तुरंत धो देना है और तुरंत हॉस्पिटल आना है। उसमें चीरा उड़ा कुछ नहीं लगाना है, दामना उमना कुछ नहीं है, जहाँ पाता है उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, एकदम उसको तुरंत लाना है, हिलाना डुलाना।